सोमवार से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले नरेंद्र मोदी का एक मेगा रोड शो हुआ। रोड शो भले ही 600 मीटर का रहा, लेकिन उनका अभिवादन करने हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गुजरात जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने इस तरह से अभिवादन किया है। जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो पटेल चौक से लेकर और एनडीएमसी का कन्वेंशन सेंटर, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिनों की जो मीटिंग है वो चलेगी, तो यहां से और कन्वेंशन सेंटर तक तकरीबन 600 मीटर की ये पूरी दूरी है। इसकी आप तैयारी देख सकते हैं कि तमाम सारे जो सांस्कृतिक कलाकार हैं अलग अलग राज्यों के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार भीड़ बढ़ रही है और ये जो रास्ता है ये सीधे कन्वेंशन सेंटर की ओर जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले दिन राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के उद्घाटन भाषण में जेपी नड्डा ने कहा कि 1,30,000 कमजोर बूथों तक बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश में जीत नहीं मिलने का मलाल रहा है। 2023 और 2024 तक कोई भी चुनाव नहीं हारना है। हिमाचल के बारे में उन्होंने कहा कि हमें रिवाज बदलना था, हम नहीं बदल पाए। हालांकि वहां हर 5 साल पर रिवाज राज बदलता है, लेकिन एक बात अवश्य कही कि पूर्व की सारी हार 5% से अधिक से होती थी, अब 5%, इस बार हम 1% से भी कम से हारे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर सिर्फ 37,000 है। सोमवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया और 4 राज्यों की रिपोर्ट भी रखी गई है। इस प्रस्ताव में विपक्षी पार्टियों के प्रधानमंत्री पर हल्के आरोप लगाने की आलोचना की गई। प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत नीचे दिखाते हुए बादशाह के साथ बार बार जो नेगेटिव कैंपेन होते रहा, उन सब में लीगली कोर्ट एक के बाद दूसरा करके सुप्रीम कोर्ट तक मामला हर एक बार गया और सुप्रीम कोर्ट में हर एक बार उन 9 मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेगेटिव डिसीशन, मतलब ऑपोजिशन के खिलाफ डिसीशन जो हुआ, क्रशिंग लीगल रिस्पॉन्स के द्वारा ऑपोजिशन को आज बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया। मंगलवार को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चलेगी और समापन प्रधानमंत्री के भाषण से होगा। नई दिल्ली से अखिलेश शर्मा के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।